जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगा है। क्या आप भी जब क्रोम से कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ भी डाउनलोड नहीं होता है? वेल, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सहारा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर आप क्रोम ब्राउजर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में क्रोम लिखकर सर्च करना है। क्रोम लिखकर सर्च करते ही आपको इस क्रोम में ये देखना है कि अपडेट अवेलेबल है या नहीं। अगर आपके क्रोम ब्राउजर में अपडेट अवेलेबल है तो आपको यहां से अपडेट कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को अपडेट करने के बाद आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको ऊपर के तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको एप्स का ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है आपको इस एप्स के जगह मैनेज एप्स या एप्स मैनेजमेंट देखने को मिले। आपको जो भी ऑप्शन मिले, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आपके मोबाइल का सारा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें क्रोम ब्राउजर को खोज लेना है। उसके बाद सिंपल आपको क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करना है। क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल परमिशंस पर क्लिक करना है। परमिशंस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ये चेक करना है कि आपका सारा परमिशन अलाउ है या नहीं। अगर आपका कोई भी परमिशन अलाउ नहीं है तो सिंपल आपको उस परमिशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां से अलाउ कर देना है। इसी तरह से आपको अपने सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। सभी परमिशंस को अलाउ करने के बाद आपको एक स्टेप पीछे आना है। उसके बाद आपको इस पेज में कहीं ना कहीं फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको इस फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको परमिशन को अलाउ करना है। परमिशन को अलाउ करते ही आपका एप्लीकेशन फोर्स स्टॉप हो जाएगा। इतना कुछ करने के बाद 100% आपके क्रोम ब्राउजर से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा।